सुनाने के लिए। ये देखो और की हाल है जी। ठीक है जी, ठीक है। से निकले हुए तो अभी तक हम लाडू सो गाइस अब क्या बात है, विदिन पैदा ठीक है। राजा साहब बताना गल कर दी सो गाइस वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो गाइस अज असी तुहानू दिखाण जा रहे हैं राजा साहब जी का दरबार, जो कि पिंड माजरा दे विच पैंदा है। फलौर तो राइट टर्न करना है आपां, ते इह लुधियाणे तो तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी ते है। असी रास्ते विच जा रहे, साडे कुछ फ्रेंड सानू रास्ते दे विच मिले ने। सो गाइस इन्हां नू भी जय राजे दी कह के असी अपने अगले सफर ते निकल चले हैं। गाइस वीडियो पूरी देखना, चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना। सो गाइस बने रहना पूरी वीडियो च, असी तुहानू दसांगे रब्बी जोत धन धन नाभ कवर राजा साहिब जी की पूरी जानकारी, तो उन्हां दी हिस्ट्री, उन्हां दी जीवनी बारे दसांगे इस वीडियो दे विच। वीडियो चंगी लगी तां सबसक्राइब करना ना भुलना, वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर कर देना। जिवें कि असीं सारे जाणदे हां कि पंजाब विच बच्चा बच्चा इस नाम तो भली पाती जाणू है। यह एक ओह हस्ती हन जिन्हां ने अपने चरण छोह दे नाल सिर्फ दुआबे नूं ही नहीं बल्कि सारे ही पंजाब नूं पवित्र कीता। जिथे जिथे भी राजा साहिब जी दे पवित्र चरण पए हन, उन्हां दे सेवक ने बड़ी ही श्रद्धा ते मेहनत नाल उत्थे पवित्र गुरद्वारा साहिबां दी उसारी कीती है। बहुत ही सोहणे ते उच्चे गुरद्वारियां दी स्थापना कीती है। राजा साहिब जी दा जन्म स्थान, राजा साहिब जी दा जन्म स्थान पिंड बल्लोवाल नानके घर विच माता साहिब देई दी कुखों होया। आप जी दे पिता मंगलदास जी पहलां तों ही साधु संतां दी सेवा करिया करदे सन। बहुत देर तों घर दे औलाद घर विच औलाद ना होण करके खुद भी साधु संतां दे वांगू ही जीवन बतीत करदे सन। एक दिन भगती विच बहुत निपुण होए देख के उस सच्चे अकाल पुरख ने आकाशवाणी कीती, तुहाडे घर विच पुत्तर दा जन्म होवेगा जो कि साक्षात रब्बी होणगे। दुखियां गरीबां ते मुलाजम ते मुजलमां दी रक्षा करनगे ते सारी दुनिया उन्हां नूं याद करिया करेगी। आप जी दे नाम रखण दी जाचना ताहरपुर दे पंडित जी ने कीती सी। सब देख के आखण लगा कि इह तां निरा ही भगवान दा रूप है अते नाम भी भगवान दा ही ठीक रहेगा। आप जी नूं मूसापुरा दे मौलवी तो उच्च विद्या प्राप्त हुई, पर मौलवी जी पातशाह दियां अचरज करन वालियां गल्लां सुन के कई बार दंदा विच उंगलियां लै के रह जांदे। जदों भी मौलवी जी पातशाह जी तो कोई भी सवाल पुछदे तां उस दे जवाब बड़े ही ठीक ते सुजे ढंग नाल दसदे। जदों मौलवी जी किसे होर भाषा विच भी पुछदे तां राजा साहिब जी उस दा जवाब ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਦੱਸਦੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ
ही रहिंदे सन। जदों पिंड दे साथी लड़के इह पुछदे कि तुसी भुखे रह के की खांदे हो तां आप जी दा जवाब सी सानू खाना अकाल पुरख जी तों आंदा है। जिस कारण ते कुछ लड़के आखन लगे कि सानू भी भुख लगी है सानू भी कुछ खवाओ। तां आप जी ने एक छप्पड़ वल निगाह सवली करके तकिया तां उत्थे कड़ाह प्रसाद पिया सी। ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਛਕਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਢੇਰੀ ਢਹਿ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨਣਹਾਰਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬੜਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੀ ਨੰਬੜਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਹਿਪਾ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਸੁੱਜੋ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਗੌਂਸਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ ਨੌਂ ਆਬਾਦ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਸੋ ਖਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਝਿੰਗੜ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਲਾਂਗੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੁਪਦੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਪਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਖਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੂਰਨ ਆ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੋਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਾਲੀ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖੀਸਾ ਜੇਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰਸੋਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕਰ ਕੁੱਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਜਰਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅਤੇ
प्रकाश उत्सव के अखंड पाठ करवा के माया एकत्र करके इस हस्पताल नूं भेजदे हन। दूसरा हस्पताल उन्हां दी ही याद पिंड विच रहपे विखे चल रहा है। इन्हां हस्पतालां विच गरीबां दा बहुत ही घट पैसों नाल इलाज हुंदा है। जो भी इन्हां हस्पतालां तों इलाज करवा के जांदे हन उह सदा ही राजा साहिब दे गुण गाउंदे हन। महाराजा साहिब दे हस्पतालां नूं विदेशां विचों भेजी हुई माया ट्रस्ट विच रखी जांदी है, जिस दे इंचार्ज डॉक्टर गुरदास सिंह शेरगिल जो एक डॉक्टर ने नाल मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। ओह जानकारी वास्ते राजा साहिब जी की जीवनी उपर लिखी धार्मिक पुस्तक नूरी किरणा पढ़ सकते हो। श्री नाभ कवर राजा साहिब जी की बरसी पिंड माजरा साहिब विखे हर साल भादरों की मस्या मनाई जाती है। कनेडा विच हमेशा पिंड माजरा राजा साहिब तो बाद ही बरसी मनाई जाती है। बरसी दे टाइम ते जे यह जो जगह तुसी देख रहे हो इस जगह दे उत्ते तिल सुटन लई भी जगह नहीं बचती, क्योंकि इन्ने ज़्यादा श्रद्धालु इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि राजा साहिब नू प्यार ही इन्ने श्रद्धालु करते हैं कि इत्थे तिल सुटन जोगी भी जगह नहीं बचती। तुसी देख सकते हो चारे पासे पिंड माजरा राजा साहिब दी एक माई जिस दा नाम जस्सी सी ओह राजा साहिब जी दी ते उन्हां दे श्रद्धालुओं दी संगत दी दिन रात तनो मनो सेवा करिया करदी सी। जदों भी राजा साहिब आवाज़ दिंदे सिर नीवा करके खड़ी हो जांदी, भावें अद्धी रात समय महाराज जी आखदे कि जस्सी साडे वास्ते दुध गर्म करके जां सरदाई आदि बना के लियाओ। इसलिए महाराजा जी माई जस्सी दे घर नूं अपना घर ही कहा करदे सन। राजा साहिब जी जिन्नी मर्जी संगत आवे माई जस्सी ने कदे भी मत्थे वट नहीं पाया सी। माई जस्सी भी कहा करदी सी कि महाराजा यह साडा नहीं तुहाडा ही घर है। राजा साहिब जी चिट्टे कपड़े ते पशमीने दी चादर दी बुक्कल मारदे सन, गोरा रंग शरबती अखियां सुनहरे वाल। जदों भी तुरदे तां इंज पिया लगदा कि थल ते अकाल पुरख आप कुदरत दे नज़ारे तकण आए हन। जिथे भी जांदे संगतां दी काफ़ी रौनक लग जांदी। राजा साहिब हुण बहुता पिंड माजरे नौ आबाद विच रहण लगे, जिहड़ा कि हुण इह पिंड राजा साहिब जी दे माजरे नाल पंजाब विच काफ़ी मशहूर है। इसे ही पिंड दा एक पुरख जिस दा नाम साहिब दयाल सी ओह राजा साहिब जी दी बहुत ही सेवा करया करदा सी। सारी जिंदगी राजा साहिब जी नू पिठ नहीं दिखाई, जदों तक भी कोई हुक्म लगदा पिछल खोरी तुर के जांदा। हर रोज़ राजा साहिब जी लई तिल्लेदार जोड़ा बना के लजांदा सी ते पुराना लेके जांदा सी। महाराज जी ने एक दिन सेवा तो खुश हो के अपनी सरदई विच्चों चार घुट पीण नूं दित्ते। बस सरदई पीण दी गल सी कि सचखंड दे दर्शन हो गए, दसम द्वार खुल गए, आप राजा साहिब जी दे चरणा नाल जुड़ गए। आखिर एक दिन शहनशाह ने कोल बिठा के आख्या, साहिब दयाल एक जंगल विच दो शेर ते एक म्यान विच दो तलवारां नहीं रह सकदियां, बस अरजाई विच्चों रूह कढ के खाली कपड़ा दे के तोड़ दिता। राजा साहिब जी दा हुक्म मन के चले गए, जो अज तक वापस नहीं आए। यह जो पवित्र अस्थान तुसी देख रहे हो तस्वीरां विच, यह महाराजा साहिब जी दा तप अस्थान है, जिथे उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। इस जगह उत्ते एक खूह भी है जिथे बाबा जी बैठा करते सन, तो इत्थे बैठ के ही बहुत तपस्या विच लीन रहिंदे हुंदे सन। आओ राजा साहिब जी दे तप अस्थान दे असी तुहानू अज दर्शन कराइए। जय राजे दी कह के असी भी इस तप अस्थान दे दर्शन करिए अते इस पवित्र अस्थान नू देख के असी भी भगती वल लीन रहिए।
जय राजे दी कह के जय राजे दी जय राजे दी। आओ असी इत्थे बाबा जी ने उन्होंने भी असी मिलते हैं तो राजा साहिब जी बारे कुछ गल्लां उन्होंने नाल विचारांगे कुछ सांझ पावांगे उन्होंने नाल विचार वटांदरियां दियां ते उन्हां तों कुछ गल्लां महाराजा जी बारे पुछांगे ते ओह सानूं सारियां गल्लां जो भी उन्होंने पता ने आपां नूं सांझियां करनगे। बाबा जी राजा साहब हाँ जी उन्होंने इतने जगह पर तप किया ठीक है जी इतने खूह भी है गल खूह उन्होंने ठीक है इतने चंगी सी दरख्तों की जंगल सी ठीक है जी इतने उन्होंने तप किया तो इतने मुड़ के उस बने लंगर चलता हूँ सीगा हाँ जी तो वह जरा जगह बनी है बली शाह की हाँ जी उन्होंने उत्थे भूरा सीगा ठीक है जी तो उन्होंने महाराज साहब ने कहा भाई तुम इतों लंगर चुक लो मेरी तपस्या के विघन पैदा ठीक है तो राजा साहब बातें उन्होंने गल्ला करते सन तो उन्होंने किया भाई संगत ने कहा भी लंगर इधर लै जाओ वो कह लगे भी तुम गल्ला कितने करते हो भाई बली शाह आ स भगत आ हाँ जी तो धूए नाल तपस्या विघन पैदा वो फिर संगत सू दर्शन दाओ वो फिर बाबा ने ना थले सिर चुके तो थले भूरा तो बाबे जी बैठे चौंगड़ा मार के दर्शन कराए उतों फिर लंगर चुक के इधर लै जाता ठीक है जी हाँ जी इतने मुड़ के उन्हें आख्या बानर सरोवर अमृतसर वाला ठीक है वह आते इतने बनेगा हाँ जी ये सरोवर वो बनाया ये उन्होंने कहा भी जो श्रद्धा न भावना स्नान करेगा हाँ जी और सारे दुख दरोद जो चीज खत्म हो जाए खत्म हो जाएगा है ना जी हाँ जी और मेरे इतने आया मैं देखा दो तीन श्री जेडे इतों राजी हो गए बिल्कुल और रेहड़ी चेयर पही जे हाँ वो बजुर्ग आए इतने स्नान कराया ठीक है दिनों तुर के आया क्या बात है हाँ जी बिल्कुल एक लड़की से नौजवान वो पागल जी हुई सी ते स्नान कर सारी सोझी आ गई मैं कितने ले फिर हो बिल्कुल बिल्कुल वो लड़की ठीक हो गई इतों वापस चले गए इस तरह के कौतुक बाबे जी ने बहुत काफ़ी विखाए फिर उन्होंने बाद टिक्का साहब जी उन्होंने मंत्र टिक्का साहब ने भी इतने तपस्या की आ उन्होंने मेरी जगह वो संस्कार पहले बने किया उसे टिक्का साहब उन्होंने जगह बनी है ठीक है गुरुद्वारा बने छोटा एक कमरा बनया हूँ संगत ने उन्हें वड्डियां करना तो इस करके से गुरु वड्डा वो रसोई साहब रसोई आ उत्थे हैगा लंगर चलता सी हाँ जी इतने तपस्या की सी जगह तो ये उच्ची आ हाँ जी क्योंकि जिथे तपस्या की आ वो धरती जी स्थान उच्चा होंगे बिल्कुल जी इतने लंगर चलता उत्थे वो ये थोड़ा मगरों जागृत हुई है वो पहले हुई है इस करके जिहड़ा भाई थोड़ा झुकाव घट सी हुण दुनिया जिहड़ी आ पैरों पैर दिनों दिन जो हाँ। पता लगता क्यों तो श्रद्धा वधदी जांदी है बिल्कुल जी बिल्कुल इत्थे उत्तराखंड चों यूपी चों कित बहुत बहुत दूरों आण के लोग श्रद्धा नाल खंड पाठ भी करवाउंदे आ कल हाले यूपी वाले खंड पाठ इत्थे आया भोग पाया ठीक है इस तरह खंड पाठ भी बहुत चलते आ सेवा भी बहुत आ संगत की बहुत कृपा लंगर जिहड़ा आ सवेर तो छे बजे तो लैके रात के 10 बजे तक चलता रही ठीक है जी हाँ जी ठीक है जी इन्ना कि मुझे जानकारी है ठीक है जी जय राजे जी इतने बहुत संगत आँदी है हम देखो तुम्हें पहली बार है मैं दो तीन साल तो मैं नाम सुने कि कल दिमाग मेरा फिर मैं तो जाना ही सारिया संगतां नूं जय राजे दी जय महाराज दी। सो जेड़े मेरिया संगतां साडियां संगतां नूं इह वीडियो चंगी लगी होवे ओह इस वीडियो नूं लाइक करन ते जय राजे दी कमेंटां दे विच जरूर लिखन जे साडे तों कोई गलती होई होवे भुल चुक होई होवे तां क्षमा करना वादा घाटा अखर भुल चुक माफ़ करना।
तो गाइस ये है बाबा जी का साढ़े तो कोई गलतियां नहीं है बाबा जी ने तप किया क्षमा करना अते साढ़े चैनल नु भी संगता नु बेनती है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना अते वीडियो नु वध तो वध शेयर करना लाइक करना कमेंटा दे विच जय राजे दी जरूर लिखना वीडियो चंगी लगी होवे तां शेयर लाइक जरूर करियो गलतियां भुलां चुकां साढ़े तो निकां होईयां होणियां ते क्षमा जरूर करियो माफ करियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।